नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक दीप और आप देख रहे हैं टेक्नो बंगाली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। तो ऑडियो एबुलेशंस ऐप के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो पिछला वीडियो में दिखाया था किस तरह से इसके अंदर म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। तो बहुत सारा फ्रेंड्स कॉमेंट्स किया है कि किस तरह से इस ऐप को डाउनलोड किया जाता है, उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल दे दीजिए। वेलकम टू टेक्नो बंगाली बाबू। Subscribe for tech-related videos and also hit the bell icon for next update on your device. तो सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए और ऑडियो एवोल्यूशंस मोबाइल स्टूडियो लिख के आप सर्च कीजिए। तो इस तरह का ऐप आपको दिख जाएगा, यहाँ से सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ डाउनलोड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसका रेटिंग्स वगैरह हम लोग देख लेंगे। और ये ऐप आपको बता दें कि ये 26 अगस्त 2020 पे लास्ट ये अपडेट किया गया है। तो ये जो पहले वाला ऐप था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसमें कभी कभी दिक्कत आता था म्यूजिक क्रिएट करते समय या फिर वोकल या वॉइस ओवर करते समय। लेकिन ये सॉल्व किया है, देखिए सॉल्व उंडो रीडो प्रॉब्लम विथ रिकॉर्ड ऑटोमेशन इवेंट्स सॉल्व पे कैश ऑन एंड्रॉइड 7.1। इस तरह कुछ ऑप्शन है जो कि इसमें 26 अगस्त को मॉडिफाई किया गया है। तो इसका रेटिंग 3.9 है, काफ़ी अच्छा रेटिंग्स है। और इसका इंटरफेस कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, जो नीचे आपको इमेज दिख रहा है। तो सिंपली आपको यह डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आपको मैं डाउनलोड होने के बाद किस तरह ये इसका इंटरफेस दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और मैं इसका जो पार्ट वन वीडियो छोड़ा था उसमें मैं दिखाया A to Z दिखाया किस तरह से वॉइस ओवर करें और किस तरह से म्यूजिक क्रिएट करें, किस तरह से कोई भी साउंड ट्रैक इसमें ऐड करें, बिल्कुल मैं दिखाया था। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर, इस ऐप के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, मतलब किस तरह से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस ऐप के साथ और इस ऐप के ऊपर किस तरह से आप किसी भी माइक्रोफोन या फिर साउंड कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और उसको वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो देखिए यह एक साउंड कार्ड के साथ दिख रहा है एक इमेज, ताकि आपको ये यकीन आ जाए कि इसके साथ असल में साउंड कार्ड यूज़ किया जा सकता है। ये एक्चुअली ऐप नहीं है, ये एक डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन है जो कि एक एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिखाया। इसका वर्जन आपको डेस्कटॉप में भी मिल जाएंगे और ये आपको पेड और बाय दोनों ऑप्शन पे है। तो इस तरह डाउनलोड होने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे इसको अलाउ कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है, उसके बाद फिर से ओके कर देना है। और जैसे आप ओके कर देंगे तो यह आपके सामने इसका इंटरफेस इस तरह से ओपन होता है। सिंपली आपको यहाँ से ओके कर देना है, फिर से ओके। और देखिए ट्राई और बाय, मतलब आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, मतलब फ्री वर्जन में, और आप इसको बाय भी कर सकते हैं। जैसे ही ये ओपन होता है इसमें आपको दिख रहा है आप साउंड कार्ड यूज़ कर सकते हैं, USB मिडी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल माइक्रोफोन हेडफोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली इसका इंटरफेस यह आपको दिख रहा है। तो इसमें किस तरह से म्यूजिक वगैरह क्रिएट किया जाता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक ट्यूटोरियल किया हूँ, छोड़ा हूँ, जो कि उसमें मैं क्लास 1 दिखाया। तो ये क्लास 2 मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे इसका पार्ट 1, तो आप प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना पावर है, कितना दमदार ये डॉ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका किस तरह से इस ऐप को, इस डॉ को आप अपना डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका ऊपर ये रिक्वेस्टेड वीडियो था जो कि मैं आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ चुका है किस तरह से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलता है तो इसका डाउनलोड लिंक मैं अपना वीडियो डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें किस तरह वॉइस ओवर, किस तरह म्यूजिक क्रिएट किया जाता है उसका ऊपर एक ट्यूटोरियल मैं छोड़ा हूँ। आने वाला दिन पे और भी छोड़ूंगा, लाइक किस तरह से इस ऐप के साथ साउंड कार्ड यूज़ किया जाता है, ऑडियो इंटरफेस यूज़ किया जाता है, माइक्रोफोन यूज़ किया जाता है और किस तरह से इस ऐप
में यानी इस डॉ में साउंड मतलब वॉइस ओवर किया जाता है या फिर सॉन्ग रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था आज की ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ ऐसे लेटेस्ट।